हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू इंग्लिश क्लास आई एम शीना जैदी तो आज की क्लास में हम लोग एमटीएस के रैपिड फायर करने वाले हैं रैपिड फायर का मतलब है कि थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के सवाल होंगे कि आप भी जल्दी थोड़ा सा आंसर कर पाए थोड़े छोटे भी सवाल होंगे कुछ नॉर्मल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्टिव पैसे मिक्सड वैसे ही है वो कैबलरी उसी तरह से है लेकिन थोड़ा जल्दी थोड़ा ज़्यादा सवाल आज करने वाले हैं गुड इवनिंग गुड़िया जयप्रकाश आयुषी गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग स्टार्ट करते हैं मालती गुड इवनिंग चलिए अब पहला सवाल और सबके आंसर देने की कोशिश करिए ये भी देख लीजिए कि अभी आज ही ये ऑफर ख़त्म हो रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट आपको रक्षाबंधन पे मिल रहा है तो उसमें आपके सारे कोर्सेज जितने भी एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे चल रहे हैं सब में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और फीस भी यहाँ है सारे कोर्सेज पे कोड याद रखिए एम डी ये है डिस्काउंट कोड आपका और आपको पी इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी एम क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम पे फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पेरेट का बताइएगा एंटोनिम क्या होगा आई हैव नो मनी गुड इवनिंग मनीष कोई बात नहीं लाइक ये क्लासेस करिए इनसे भी आपको बेनिफिट मिल रहा है ये अलग तरह का है आप ऑलरेडी अगर थोड़ा पढ़ चुके हो डिस्पेरिट का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल अलग अलग टाइप की है या बिल्कुल अलग अलग चीजों को जैसे एक जगह रखा हो तो डिफरेंट से मतलब है इसका जब डिफरेंट से मतलब है तो इसका उल्टा क्या हो गया सिमिलर अलग अलग तरह की चीजें उसका उल्टा है सिमिलर एक समान नेक्स्ट है इनडिफरेंट का मतलब हो जाएगा उदासीन इनडिफरेंट मीन्स उदासीन सेकेंड क्वेश्चन ये ईडियम का मतलब बताइए barking up द रोंग ट्री अगर ये काम कोई करे तो वो क्या हुआ गुड इवनिंग अंकित डिस्पर्स समझा था आपने अच्छा पूनम बी शानी डी। रोहित ए बार्क ऑफ द wrong ट्री कोई बार्क कौन करता है डॉग तो अगर कोई डॉग जैसे मान लीजिए किसी कैट का पीछा कर रहा है वो किसी पेड़ पे भौंकने लगे उसे लगे कि बिल्ली यहाँ पे है लेकिन वो गलत पेड़ पे भौंक रहा है मतलब बिल्ली उसे वहाँ मिलेगी नहीं तो इसका मतलब ये हुआ हैव द रोंग आइडिया अबाउट हाउ टू अचीव समथिंग वो बिल्ली को पकड़ना चाह रहा है तो वो गलत उसे पता है गलत पेड़ पर पे भौंक रहा है तो गलत आइडिया है किसी चीज़ को कैसे हासिल करना है वो उसे अंदाज़ा ही नहीं है गलत तरह से कोशिश कर रहा है नेक्स्ट थर्ड कॉम्प्लिकेटेड का बताइए सिनोनिम क्या होगा कॉम्प्लेक्स या लेंदी ए ऑप्शन कॉम्प्लेक्स हाँ इसका मतलब होता है जटिल कॉम्प्लिकेटेड का तो जटिल के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया डिसऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित कोई चीज है सिस्टमैटिक नहीं है जम्बिल्ड सेंटेंसेस अब जो हम लोग रोज करते हैं आपको पता है किसी चीज का क्रम उल्टा पुलटा कर दिया जाए उसको उलट दें और जिससे कंफ्यूजन हो जाए वो जंबल्ड है लेंदी का मतलब हो गया लंबा लॉन्ग लेंदी आंसर लिखा मतलब लंबा आंसर फोर्थ है अब इसमें बताइए एक्टिव पैसिव देयर इमोशनली इंटेंस बड़ा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत ही सिंपल है देखिए अब कैसे होगा देअ इमोशनली इंटेंस कोलेबोरेशन मैक्सिमाइज देयर क्रिएटिव पोटेंशियल गुड इवनिंग सीमा आयुषी हर्ष बी पूनम भी देखिए यहां सब्जेक्ट क्या है देयर इमोशनली इंटेंस कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है मैक्सिमाइज देयर क्रिएटिव पोटेंशियल ये ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में पहुंच जाएगा अच्छा मैक्सिमाइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो पैसिव होगा वॉज या वर् और मैक्सिमाइज हो जाएगा इसकी मतलब थर्ड फॉर्म आएगी अब जिसमें वॉज या वर्ड नहीं है वो हटा दें तो यहाँ पे वॉज नहीं आ रहा ये तो हो ही नहीं सकता विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता फिर हमारा सब्जेक्ट जब हम पैसिव में बना रहे हैं तो बाय का यूज होगा द्वारा के लिए अब बाय देखिए इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा डी में ये भी गलत हो गया बी या सी में से है तो क्या सब्जेक्ट बनना था अब देर क्रिएटिव पोटेंशियल ये सब्जेक्ट बनना है यहां पे तो क्या किया कोलेबोरेशन ही सब्जेक्ट है तो आंसर इसलिए भी हो जाएगा देर क्रिएटिव पोटेंशियल वॉज मैक्सिमाइज बाय देर इमोशनली इंटेंस कोलेबोरेशन ये सही है तो इसमें ये कुछ नहीं है कि आपको ये रूल पता नहीं है बस इसमें ध्यान से देखना है थोड़ा टाइम उस चीज में लगे तो ऐसे भी आते हैं सवाल अब इसमें एरर देखिए अनलेस गीता अपोलोजाइज शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू अ पिकनिक आपको जाने के लिए नहीं बोलते गुड इवनिंग मनीषा ऑन अ पिकनिक पक्का बहुत कॉमन मिस्टेक है ये ये फिक्स्ड है पिकनिक पे जाना उसके लिए क्या होता है छुट्टी थी आज छुट्टी नहीं छुट्टी तो आज नहीं थी बताया था गो फॉर अ पिकनिक होगा ये चीज वैसे तो ऑन भी हम लोग यूज करते हैं लेकिन एग्जाम में जब पूछा गया तो फिर फॉर को माना वैसे एक बार किसी दूसरे एग्जाम में ऑन को भी माना है गो ऑन अ पिकनिक लेकिन आपको सही एग्जैक्ट सही क्या है फॉर का यूज करिएगा तो गो फॉर अ पिकनिक ये करिएगा नेक्स्ट है गो फॉर बिल्कुल शाहनी, शुभी करेक्ट अरन्या सही सिक्स है यहां पे अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जॉन सेड यहां से स्टार्ट होता है जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक जब मैं बोर्ड होता हूं तो मैं कुक करने लगता हूं गुड इवनिंग डी आर डी ओ जॉन ने पास्ट में कहा था कोई क्लास नहीं होगी तो मुझे नहीं मनीषा कोई क्लास वो पेड क्लास के लिए बोला होगा लेकिन और क्लासेस कुछ तो हैं अब कुछ नहीं हो रही कुछ हो रही हैं ए और सी दो आंसर आ रहे हैं जॉन जॉन सेड ने कहा था जब वो बोर्ड होता है तो फिर वो कुक करने लगता है तो पास्ट में कहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेन ही वॉज बोर्ड दोनों तरफ पास्ट टेंस आएगा अच्छा टोल्ड नहीं होगा क्योंकि टोल्ड कब होता है जैसे सेट टू होता है सेट टू मी सेट टू यू तब टोल्ड में करते हैं फिर दूसरी चीज़ है जॉन सेट दैट वेन ही कुकड यहाँ तो उल्टा कर दिया ना इसका तो मतलब है जब मैं कुक करता हूँ जब मैं खाना पकाता हूँ तब बोर हो जाता हूँ ये उल्टा है फिर है यहाँ पे वेन ही वॉज बोर्ड ही वॉज कुक्ड वॉज तो मतलब हो गया उसको पकाया जाता है ये पैसे वॉइस है मीनिंग भी गलत हो रहा है तो आंसर इसका ए हुआ यहाँ पे आपको उल्टा नहीं लग रहा था यहाँ पे वहां पे कह रहे थे जब भी मैं बोर होता हूँ बोरियत होने लगती है तो फिर खाने में मन लगाता हूं मतलब खाना पकाने में सेवेंथ टॉल ऑर्डर ईडीएम का क्या मतलब है एक ही आपका कल ही एग्जाम है ऑल द बेस्ट आयुषी करेक्ट था नहीं देखती है कुछ जयप्रकाश आप बोल के फिर सुनते नहीं है क्या बोला आपकी बात का ही जब आप ही का कमेंट पड़ा था टॉल ऑर्डर का मतलब होता है मुश्किल कोई प्रॉब्लम मुश्किल समस्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये है टायरेंट का मतलब बताइएगा क्या है टायरेंट ये नाइटमेयर और रूमर इन सबके क्या मतलब है डिफिकल्ट सही बाकी सबके क्या है डिक्टेटर बिल्कुल टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह या डिक्टेटर कह सकते हैं अब ये रूमर और नाइटमेयर क्या चीज है करेक्ट, से हाँ रूमर का मतलब अफवाह रूमर का मतलब अफवाह हो जाएगा नाइटमेयर का मतलब बैड ड्रीम बुरा सपना यह हो जाएगा बुरा सपना नाइटमेयर अर्थ अब इसको सही क्रम में लगाइए बहुत छोटा सा है बस डेवलपमेंट से शुरू हुआ उसके बाद क्या होना चाहिए गुड इवनिंग रंजीत हाँ आयुषी करेक्ट डिलपमेंट सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब जनरली आता है आर पी क्यू लग रहा है आपको अच्छा आप देखिए डिवेलपमेंट सब्जेक्ट है तो उसके बाद क्या आएगा वर्ब आना चाहिए तो वर्ब क्या है इसमें मीन्स बिकमिंग मतलब आर्ट सबसे पहले होगा मीन्स बिकमिंग और क्या है मोर एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स तो डिवेलपमेंट का मतलब होता है कि हम ज्यादा एडवांस्ड हो जाएं या ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए जटिल तो ये आर क्यू पी ये आंसर हो नहीं आर पी क्यू आर पी क्यू डी ऑप्शन सही है नाइन्थ इसमें एरर देखिए ये तो सभी का सही था अभी छोटा था सबका सही हो गया ऐसे ही छोटे से जब आप प्रैक्टिस करें तो छोटे से शुरुआत करिए धीरे धीरे फिर जो और बड़े वाले आते हैं फिर उन पे जाइए फॉल लग रहा है नीता हैज बीन वर्किंग एट द क्लब सिंस द लास्ट टेन ईयर्स यहाँ पे सिंस नहीं होगा क्योंकि ये टेन ईयर्स दिया है ड्यूरेशन है ड्यूरेशन के साथ क्या यूज होता है फॉर अब देखिए आप यहाँ पे चाहे द लास्ट टेन ईयर्स के बजाय सिर्फ टेन ईयर्स के हैं एक ही बात है पिछले दस साल से या फिर दस साल से एक ही चीज़ है या फिर आप ये भी कह सकते हैं फॉर द पास्ट टेन ईयर्स जब लास्ट या पास्ट कहेंगे तो दावी लाना है इस जगह पर लास्ट टेन ईयर्स ऐसे कहेंगे पास टेन ईयर्स और लास्ट टेन ईयर्स द का यूज भी करेंगे तो फॉर यहां पे होना चाहिए टेंथ ऑल्ट्रेशन का सिनोनिम बताएं ये भी सभी का सही था ऑल्ट्रेशन का मॉडिफिकेशन कंप्लेंट कमेंडेशन या कंसीलिएशन modification कितना आपको जितना आता है जितना सही आप कर पा रहे हो वो आप ये थोड़ी है कि टीचर ने इतना बोल दिया उससे ज्यादा आप सही कर पा रहे थे तो आपने आंसर किया ही नहीं जितना आता है उतना आंसर करिए alter का मतलब होता है चेंज करना तो मॉडिफिकेशन इसका हो गया alteration मतलब चेंज मॉडिफिकेशन कंप्लेंट का मतलब है शिकायत कमेंडेशन कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना कमेंडेशन का मतलब तारीफ हो गया प्रशंसा प्रेज कंसिलिएशन का मतलब समझौता कंसिलिएशन समझौता या किसी को कंसीलिएट करने का जैसे कोशिश हो रही है तो मतलब उसको थोड़ा सा शांत करने की कि जैसे कोई बीच का रास्ता निकाला जाए कोई समझौता हो जाए इलेवेंथ इसमें एरर देखिए द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स टू परसुएट पीपल टू बाय इट्स वाटर प्योरिफायर्स कुछ है मिस्टेक हाँ मनीषा आपका सही था इट्स में गड़बड़ बिल्कुल सही आई टी या एस का मतलब होता है ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है जैसे इट इज फाइव पी एम बोला जाएगा इट इज रेनिंग बोलेंगे तो आप इट्स फाइव पी एम इट्स रेनिंग कह सकते हैं हम यहाँ पे इट इज नहीं कहना चाह रहे हम तो कहना चाह रहे हैं उस कंपनी का जो उस कंपनी के जो वाटर प्योरिफायर्स हैं तो का की, के, के लिए जो रिलेशन दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं पोजेसिव बोलाना है इट्स वाटर प्योरीफायर ये सही ट्वेल्थ इसको सही क्रम में लगाइए बस यहां से स्टार्ट हुआ है ऑल द के बाद क्या होना चाहिए ये भी छोटा सा क्या हो गया पूनम आज क्यों रॉन्ग हो रहे हैं आपके तो फर्स्ट रॉन्ग होता है बाकी सही ऑल द के बाद क्या लाएं सी ऑप्शन लग रहा देखिए, क्या है दर्टिकल है आर्टिकल का संबंध किससे होता है कोई नाउन आना ना चाहिए तो मतलब है सबसे पहले कम तो नहीं आ सकता ये तो वर्ब है तो पी ऑप्शन जिसमें आ रहा है उसको तो हटाई देते हैं ये दोनों गलत हो गए अब फिर है ऑल द के बाद हम प्रोडक्शन यूनिट्स भी ला सकते हैं गवर्नमेंट ओन्ड भी लग रहा है सही तो यहां पे हो जाएगा ऑल द गवर्नमेंट ओन्ड गवर्नमेंट के द्वारा जो ओन की जाती है क्या चीज ओन की जाती है प्रोडक्शन यूनिट्स अब हमें सब्जेक्ट मिल गया कम अंडर पब्लिक सेक्टर ये हो गया तो ऑल द प्रोडक्शन यूनिट ऑल द गवर्नमेंट ओन प्रोडक्शन यूनिट्स कम अंडर पब्लिक सेक्टर वो पब्लिक सेक्टर में कहलाती हैं तो Q के बाद R फिर P QRP आर आंसर है ए ऑप्शन आगे बढ़े नेक्स्ट है तेरा इसमें बताइए ईडियम का मतलब डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या है चेन्नई में बारिश नहीं यहां पे तो बिल्कुल सूखा पड़ रहा है बी ऑप्शन डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट ईडीएम भी कैसे बना है कि जैसे हैड गिराते थे वैसे लोग रेस में भागना शुरू करते थे जैसे स्कूल में होता होगा कि जो कोच है उन्होंने एक सीटी बजाई विसल बजाई और लोग भागे उसी तरह से ये था तो मतलब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैड कोई काम कर रहा है मतलब जैसे एकदम से कोई काम कर दिया तो डू समथिंग विदाउट वेरिंग अ हैड इसका हैट से कोई मतलब ही नहीं था फिर डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड या डू समथिंग दैट रिक्वायर्स ग्रेट प्लानिंग एकदम से कोई चीज करना तो क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है बी आंसर नेक्स्ट है फोर्टीन इसमें बताइए कोई एरर हो तो उसे सही करिए आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द मेल केल्स यहाँ पे नहीं था आई अच्छा तो सेंट होगा ठीक है have के बाद की थर्ड फॉर्म आएगी सेंट होना चाहिए अब ऑलरेडी किधर आता है ऑलरेडी कहाँ पे यूज होगा मेन वर्ब के पहले होता है ही ऑलरेडी गॉन ऐसे कहा जाएगा तो आई हैव ऑलरेडी सेंट ये सही है पास परफेक्ट क्यों नहीं आएगा अब पास परफेक्ट को देख लीजिए ये क्यों गलत है क्योंकि पास परफेक्ट में क्या कंडीशन होती है एक ही सेंटेंस में दो पास्ट एक्शंस होंगे तब पुराने वाले काम में ज्यादा पुराने में पास परफेक्ट आता है यहां तो एक ही काम हो रहा था तो आंसर ए हुआ 15th? अब ये है आपको मीनिंग बताना है एडियम का मतलब बताइए एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू गुड इवनिंग सही था आपका सी ऑप्शन लग रहा एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब आप समझ लीजिए एक टाइप की सड़क है ये तो हर सड़क को एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे हर गली में जाके देख रहे हैं कि रास्ता ढूंढ रहे हैं तो ये गली तो नहीं यहीं से तो नहीं निकल सकते तो हर जगह जाके देख रहे हैं कोई हल निकालने के लिए तो लुक फॉर एवरी पॉसिबल मींस मीन्स का मतलब क्या होता है किसी चीज को करने का जरिया लुक फॉर का मतलब क्या होता है ढूंढना सर्च फॉर समथिंग सोलह यहां पे सही क्रम में लगाइए एजुकेटिंग वेमेन से स्टार्ट हुआ एजुकेटिंग विमेन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है एजुकेटिंग फिर क्या आएगा सही था आपका गोड़िया आयुषी रोहित AQRP, अच्छा ए क्यू आर पी अच्छा तो आपको ही लग रहा है निधि डी आर डी ओ मालती प्रशांत रंजीत सबको सेम चलिए देखते हैं एजुकेटिंग विमेन अच्छा कुछ चीजों से हिंट मिलता है वैसे ही छोटा सा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको सारे ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन कुछ चीजों से जैसे हमें अगर बड़ा भी हो तो हिंट लेना है द पोजिशन आ रहा है तो पर्टिकुलर की यहाँ पे सेंस आ रही है तो मतलब है कि किस चीज की पोजिशन आगे कुछ होना चाहिए लग रहा है कि आगे भी कुछ उसमें होगा तो अब यहाँ पे लग रहा है एजुकेटिंग वेमेन देखिए और कौन सी चीज नहीं हो सकती विमेन ऑफ वेमेन तो नहीं हो सकता एजुकेटिंग वेमेन ऑफ वेमेन तो पी आंसर सबसे पहले गलत हो गया मतलब ये दो हम काट सकते हैं फिर इसके बाद आर लास्ट में नहीं हो सकता था तो वो भी चला गया एजुकेटिंग इज एन एसेंशियल स्टेप एजुकेटिंगशियल स्ट्रेंथनिंग द पोजिशन ऑफ वेमेन इन द सोसाइटी ये आंसर हो गया द पोजिशन जब हम कह रहे थे हम बताएंगे किसकी पोजिशन वो ऑफ वेमेन हमने बता दिया तो एजुकेटिंग विमेन इज एन एसेंशियल स्टेप और किस चीज में स्टेप है टूवर्ड स्ट्रेंथनिंग क्यों उनकी पोजीशन को मजबूत करने के लिए तो क्यू आर पी ए आंसर सही सत्रह अब इसमें बताइएगा मिस्टेक कुछ ही वॉन्टेड टू बाय सम बुक्स बट ही कुड नॉट हैव इनफ मनी फिफ्टींथ क्वेश्चन अच्छा अभी लास्ट में पूछ लीजिएगा मोनू आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो लास्ट में पूछ लें सिक्सटीन भी कर लिया उसके बाद आपने पूछा तो अब लास्ट में पूछेगा डिड नॉट हैव अच्छा He wanted to buy some books, but he could not have enough money. यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं वो कुछ ख... किताबें खरीदना चाह रहा था लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था पर्याप्त पैसा नहीं था ये कहेंगे तो कुट तो वो क्षमता के लिए आ गया तो वो चीज होगी नहीं तो हमें डिड नॉट कहना है अच्छा ये नहीं कह सकते लेकिन उसके पर्याप्त उसके पास पर्याप्त पैसा था तो फिर लेकिन क्यों कहेंगे वो खरीदना चाह रहा है लेकिन पर्याप्त पैसा है तो वो तो अच्छी बात है पर्याप्त है तो लेकिन कहने का क्या मतलब हुआ बट कहने का फिर इसके बाद मनी के पहले आपको इनफ लाना है इनफ मनी इनफ बुक्स ऐसे बोला जाएगा जब सेंटेंस में बाद में कुछ नहीं है कि उस पर्याप्त पैसे के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे तो जनरली यही कि अगर आगे कुछ नहीं है तो आपको नाउन के पहले इनफ को लाना है इनफ मनी इनफ वाटर ऐसे कहेंगे ही डिड नॉट हैव इनफ मनी अठारह हाँ अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसकी कुछ बारीकियां भी आपको बताई हैं वैसे पूरे रूल के साथ कपिल डैश टू सिनेमा एवरी मंडे इवनिंग यू बिलोंग डी आर डी यू आई बिलोंग टू यूपी गोज होना चाहिए बिल्कुल सही कपिल इज गोइंग क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि ये रेगुलर एक्शन है एवरी मंडे जब कह रहे हैं तो ये रेगुलर एक्शन कोई काम होता है जाता है खेलता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट लाते हैं ये हो गया गोस टू सिनेमा जाता है नाइनटीन वन वर्ड सब्सिट्यूशन वन हु इज नॉट लाइकली टू बी इजिली प्लीज्ड तो ये तो सबका सही था सही गुड़िया पूरा आपने लिखी दिया टाइपिंग की प्रैक्टिस हो रही साथ में गोज दीपक करेक्ट जो आसानी से किसी चीज से खुश ना हो बारीकियों पर इतना ध्यान दे रहा है कि कभी संतुष्टि नहीं हो पा रहा फैसटीडियस होता है बिल्कुल फैसटीडियस मेटिकुलस एसिडवस ये सब आप कह सकते हैं इसके लिए बहुत बारीकियों पर ध्यान दें फेटलिस्ट का मतलब जो फेट में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हो मतलब किस्मत में कि डेस्टिनी में जो जो पहले से नसीब में लिखा है वही हो के रहेगा कुछ भी उसमें अपनी तरफ से एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है कोई फायदा नहीं है इनकॉरिजेबल का मतलब जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता इतना बिगड़ चुका कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची उससे और इनफेलेबल का मतलब है जो कभी गलती ना करे जो कभी कोई मिस्टेक ना करे वो होगा इनफेलेबल बिल्कुल परफेक्ट ट्वेंटी <coughs> इसमें देखिए मिस्टेक माइक क्विकली brushed हर पास्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सैल्यूटेशन मतलब माइक जो है जो, मतलब माइक नाम का जो लड़का है उसके बगल से निकलता चला गया और बिना कोई हाई हैलो है सैल्यूटेशन मतलब वही हाई हेलो हो गया यहाँ पर गुड इवनिंग गौतम शुभी बिल्कुल सही सारे बता दिए आपने ए ऑप्शन ब्रश पास्ट है तो ब्रश का मतलब यहां पर है कि किसी तेजी से निकल जाना ब्रश का मतलब तेजी से निकल जाना और पास्ट एक प्रेपोजिशन है पास्ट को हम लोग प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं जैसे हम टाइम भी तो ऐसे बताते हैं इट इज मिनट्स पास्ट नाइन नौ बज के दस मिनट है तो मतलब नौ के आगे निकल गए हैं पास्ट का मतलब किसी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाना तो यहां पे हो जाएगा क्विकली ब्रश्ड पास्ट हर पास्ट मतलब किसके आगे निकल गया हर के आगे किसी लड़के के लड़की के तो ब्रस्ट पास्ट हर ये सही है ये ये फिर से क्रम में लगाइए यहां से शुरू हुआ इवन अ पुअर फार्मर बहुत सिंपल सही दीपक इवन अ पुअर फार्मर एक पुअर फार्मर भी आयुषी क्यूपीआर डी आर डी ओ डी आर अच्छा डी ही लग रहा है आप लोगों सब को सबको डी लग रहा है बिकॉज डिफरेंट आंसर पूनम आपका भी अलग देखिए अब इवन अ पुअर फार्मर एक पुअर फार्मर भी वैसे तो सब्जेक्ट हमारा आ गया कोई जनरली आता है लेकिन हो सकता है उसी सब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हो आगे इवन अ पुअर फार्मर देन अ रिच इवन अ पुअर फार्मर विद गुड हेल्थ या इवन अ पुअर फार्मर पर्सन फार्मर पर्सन हो नहीं सकता ये चीज रॉन्ग हो गई फिर और देखिए हम कैसे सॉल्व करें इस पे सेंटेंस हम छोड़ेंगे नहीं इसके बाद यहाँ पे कुछ होना चाहिए था तो मतलब क्यों हम लोगों का लास्ट में नहीं आएगा मतलब इस रचना में नहीं हो सकता था अरिच कह रहे हैं तो अ का संबंध किसी नाउन से होगा अब नाउन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया तो मतलब पी ऑप्शन भी लास्ट में नहीं आ सकता तो यहाँ पे हो जाएगा एक पुअर फार्मर भी जिसकी अच्छी हेल्थ है इज हैपियर वो किससे ज्यादा हैप्पी है इज हैपियर देन अ रिच पर्सन विद पुअर हेल्थ तो एक गरीब किसान होगा अगर उसकी सेहत अच्छी है तो वो उससे ज्यादा खुश होगा ऐसे अमीर आदमी से जो अमीर तो है लेकिन उसकी सेहत अच्छी नहीं तो सेहत ही अच्छी नहीं है तो फिर उसके लिए सब बेकार है तो गरीबी भी चलेगी लेकिन बस सेहत अच्छी हो तो क्यू पी आर ये हो गया सही डी ऑप्शन करेक्ट ट्वेंटी टू ये ईडीएम का मतलब प्ले हैविक बिल्कुल हाँ सच बात है प्ले हैवक हो या सिर्फ हैवक हो गया उसका मतलब होता है कुछ उल्टा सीधा कुछ कर देना कुछ हंगामा कर देना तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना तो इसका क्या हो गया वर्स इन सिचुएशन यही पॉसिबल है एंड सीक तो वो हो गया जो हम लोग खेलते थे बचपन में छुपते हैं फिर एक कोई ढूंढता है और इसका आंसर इसलिए बी हुआ ट्वेंटी थ्री ही इज एज फर्म डैश रॉक ब्लैंक ही इज एज फर्म डैश रॉक एस प्लस एस का कॉम्बिनेशन होता है या फिर सो प्लस एस का भी होता है और दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है एज गुड एज एज टॉल एज तो एज फर्म एज रॉक रॉक की तरह बिल्कुल फर्म है ट्वेंटी फोर एक्टिव पैसिव द कैशियर टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर सही प्रशांत जयप्रकाश दीपक सबका सही द कैशियर टुक टेक टुक टेक इन सेकेंड फॉर्म तो was taken हो जाएगा पास्ट में चला जाएगा इस टेक इन गलत है भी आंसर सबका है अब देखिए किससे क्या चीज ली मनी लिया था तो द मनी वॉज टेक इन किससे लिया गया था कस्टमर से लिया गया था कैशियर के द्वारा ये आंसर हो गया उसका टेंस गलत हो गया फिर ये द कस्टमर वॉज टेकन द मनी ये गलत है हम तो कहना चाह रहे हैं पैसा लिया गया था और यहां पे मीनिंग ही अलग हो गया कि कस्टमर के द्वारा नहीं लिया गया था कैशियर के द्वारा लिया गया था ट्वेंटी फाइव इसमें एरर जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ वास्ट ऑफ फैक्टर्स वास्ट ऑफ फैक्टर सही है <coughs> बी निधि आयुषी पी एस सी ए बाय अ डैश ऑफ फैक्टर्स देखिए अ क्या है अ आर्टिकल है आर्टिकल के बाद क्या आता है नाउन आता है वास्ट का तो मतलब बहुत ज्यादा बहुत बड़ा वास्ट का मतलब बहुत बड़ा हो गया तो ये तो एडजेक्टिव है नहीं आएगा लार्ज भी बहुत बड़े की सेंस में आता है ये भी नहीं हो सकता न्यूमरस न्यूमरस का मतलब बहुत सारा संख्या में ओ यू एस में लगा है ये भी एडजेक्टिव है तो ये सारे गलत हो गए नो इम्प्रूवमेंट तो वैसे ही गलत था वास्ट नंबर हो जाएगा नंबर क्या है ये नाउन के तरह यूज होता है और अ नंबर ऑफ का रूल आपने नहीं पढ़ा है नंबर ऑफ के बाद जो हम लोग करते हैं कि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है ये वही चीज तो है तो नंबर ऑफ कहेंगे जिसका मतलब होता है कई या सेवरल तो जो जॉब परफॉर्मेंस है बहुत तरह के फैक्टर्स से अफेक्ट होती है ट्वेंटी सिक्स ईडियम का मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट हार्डली एंड सडनली लाइट एंड डार्क समरी ऑफ द मैटर या डे एंड नाइट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ किसी चीज का है इसके लिए एक दूसरा ईडियम भी होता है क्रक्स ऑफ द मैटर क्रक्स ऑफ द मैटर ये भी अलग से पूछते हैं तो क्रक्स ऑफ द मैटर और दोनों का सेम मीनिंग है किसी चीज की समरी मतलब शॉर्ट में शॉर्ट में कोई चीज बता रहे हैं समरी बता रहे हैं तो उसको क्रक्स ऑफ द मैटर कह सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब पूरी बात मुद्दे की बात यह है आप कहें चलो मुद्दे की बात यह है मेन बात यह है ट्वेंटी सेवन इसमें लार्ज वेरियस ऑफ क्लो इन द स्टोर वही लॉजिक लगाइए जो भी आपने वास्ट में लगाया था देर वॉज अ लार्ज वेरियस ऑफ क्लोथ थैंक यू रंजीत नो इंप्रूवमेंट लग रहा है पक्का निधि बी ऑप्शन पूजा वेराइटी देखिए अब यह अ लार्ज कह रहे हैं अ के बाद आर्टिकल तो आएगा ना आर्टिकल आ, आ, नहीं अ आर्टिकल है तो नाउन को ही आना चाहिए तो वेरियस क्या है ओ यू एस लगा है ये एडजेक्टिव हो गया गलत हो गया आंसर फिर यहाँ पे तो वेरियस फिर से आ गया तो ये तो पता नहीं कैसे ये तो मिसप्रिंट हुआ है ह्यूमरस ह्यूमरस हु भी एडजेक्टिव है ओ एस लगा है इसका मतलब फनी हो गया वेराइटी होगा देर वॉज अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मतलब है बहुत तरह के क्लोथ्स थे बहुत प्रकार के क्लोथ थे आई टी वाई या टी वाई किसी वर्ड में लास्ट में लगा हो तो ये ज्यादातर नाउन की पहचान है जैसे स्टूपिडिटी आपको बताया था नेक्स्ट क्लैरिटी आपके हैं ट्वेंटी एट स्ट्रॉन्ग डिसक वन वर्ड सब्स ट्यूशन यहाँ पे क्या होना चाहिए उसे क्या कहेंगे किसी के प्रति बहुत ज्यादा चिड़ हो तो वो है रेसिप्रोपिसिटी एंट्रीटी malice या एनिमोसिटी ह्यूमरस का मतलब होता है फनी मजाकिया वो बहुत ह्यूमरस है मतलब बहुत हंसाता है एनिमोसिटी रेसिप्रोसिटी हाँ. क्या चीज है रेसिप्रोसिटी का मतलब है जैसे एक व्यक्ति या एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर रहा है कुछ फायदा पहुंचा रहा है तो बदले में वो भी उसके लिए वैसा ही कुछ अच्छा कर रहा है उसी तरह का बर्ताव लेकिन ये ज्यादातर पॉजिटिव ही सेंस में आता है जैसे हम कहें कि हम इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं तो इंडिया अगर उनके लिए कुछ करेगा फायदा पहुंचाएगा तो रशिया भी बदले में करेगा तो वो हो गया एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना एंट्रीटी का मतलब है अ सीरियस रिक्वेस्ट सीरियस या इमोशनल रिक्वेस्ट जैसे कोई बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगे तो उसको कहते हैं एंट्रिटी और ये मैलिस या एनिमोसिटी क्लोज ऑप्शंस दोनों हैं लेकिन एनिमोसिटी इसका होगा हॉस्टेलिटी कह सकते हैं या फिर मैलिस क्या चीज है मैलिस का मतलब भी बहुत ज्यादा चिड़ना किसी से होता है लेकिन जब आप उसको नुकसान भी पहुंचाना चाहें मतलब ये सोचें कि इसका किसी ना किसी तरह नुकसान करना है हार्म करना है तब मैलिस होता है इसमें कुछ जरूरी नहीं है कि नुकसान भी पहुंचाना चाह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं नुकसान की ट्वेंटी नाइन ओनली लास्ट वीक डैश ही डाई क्लोज ऑप्शन हो गया ना पी पिंक कलर से सही नहीं दिखाई दे रहा की है तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ सकता है हैव, के साथ तो हम तीसरी फॉर्म पढ़ते हैं बस डिड के ही साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वैसे इसका रूल बहुत कम पूछा जाता है लेकिन इसको सोचा के ये दे देते हैं आपको डिस्कस हो जाएगा तो ओनली के साथ अगर आप कोई प्लेस ला रहे हैं या टाइम किसी तरह का ला रहे हैं मतलब कोई ऐसा क्लॉज है जो प्लेस कोई ऐसा फ्रेज है जो प्लेस या टाइम दिखा रहा है तो वहां पे फिर आपको उसके बाद इन्वर्जन करना होगा फिर इन्वर्जन करेंगे जैसे ओनली इन इंडिया डू वी फाइंड सच पीपल ओनली इन इंडिया हम प्लेस दिखा रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे डू वी फाइंड डू वी फाइंड इन्वर्जन हो गया और यहां पे समय आ रहा था तो इन्वर्जन हो जाता है उसके बाद थर्टी मिल्टन वॉज डैश देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड मिल्टन वॉज बहुत सिंपल मिल्टन क्या थे दैन का यूज कर रहे हैं दैन का बात है कंपेरिजन करने के लिए कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा मिल्टन वॉज ग्रेटर पोएट वो खुद भी एक पोएट थे तो मिल्टन को पोएट से कंपेयर कर रहे हैं तो अदर पोएट्स का थर्टी वन अब यहाँ सल्की का बताइएगा एंटोनिम सॉफ्ट हैप्पी ट्रस्टफुल या रफ तो ऐसा सवाल था किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए था हुआ भी नहीं वेलकम रंजीत बी ऑप्शन सलकी का मतलब है जो बहुत ही बिल्कुल चुप चुप सा हो बैड टेम्पर्ड हो जैसे मुंह फुलाए बैठा है किसी से चिड़ा बैठा है तो बोल भी कम रहा है वो हो गया सल्की अब सलकी का उल्टा क्या हुआ हैप्पी जो खुश हो चेयरफुल हैप्पी ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेक्स्ट शानी <laughs> चलिए नेक्स्ट है थर्टी टू एक्टिव द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द सोशल वर्कर्स ऐसा क्या हो गया शाहि इसके एंटोनिम हो, हो जाइए रिपोर्टर सब्जेक्ट है सोशल वर्कर्स ऑब्जेक्ट है वॉज इंटरव्यूइंग पास्ट सी ऑप्शन बी निधि आपका डिफरेंट है देखिए सोशल द सोशल वर्कर्स पहले आ जाएगा फिर क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज यर्क प्लस बींग आएगा बींग का यूज होता है बीन नहीं होता कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आती है तो ये ऑप्शन गलत था यहाँ पे भी बीइंग नहीं आया वो गलत है और इंटरव्यूड हो जाएगा इंटरव्यू किए जा रहे थे past ये पास वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आती है तो इसीलिए आंसर सी हुआ ठीक है तो ये ऐसी मिस्टेक है आपको पता होगी कि थर्ड फॉर्म ही आती है लेकिन जल्दबाजी में हो सकता है आप मिस कर दें कि थर्ड नहीं थी यहाँ पर थर्टी थ्री इसमें एरर देखिए श्रेया इज अ विनर एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिनाइंग दैट फैक्ट अच्छा ऐसा आपने क्या कर दिया रंजीत जल्दी में रॉन्ग होगी अच्छा ने दी नो आंसर नो आंसर ही है आयुषी नो डिनाइल ये वाला आपको शायद ना पता हो ये एक ईडीएम के तरह यूज होता है देखिए अब यहां पे दो चीजें कर सकते हैं देर इज नो पॉइंट आप या तो ये करिए देर इज नो पॉइंट इन मतलब इस चीज का अभी इसको समझ लीजिए दो चीजें आपको यहाँ पर समझनी है अगर आपको ये कहना है कि ये काम करने का कोई फायदा नहीं है तो देर इज नो पॉइंट इन डिनाइंग आप ये कर सकते हैं देर इज नो पॉइंट इन डिनाइंग मतलब इनकार करने का कोई फायदा नहीं का यूज करिए और आई एन जी फॉर्म लाइए इन जो है ये ब्रैकेट्स में है मतलब इस इन को आप गायब भी कर सकते हैं इनको ना यूज करिए ऐसे भी कर सकते हैं फिर इसी तरह से आप दूसरी अब ये वाला तो ऑप्शन कहीं था ही नहीं तो दूसरा ऑप्शन हम कह सकते हैं देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट ये एक ईडियम हो गया इसका मतलब है कि इसमें इंकार नहीं किया जा सकता इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता हमें मानना ही पड़ेगा तो क्या मतलब हो गया यही वाली चीज है देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट सी आंसर हो गया तो श्रेया इज अ विनर एंड देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट मतलब श्रेया विनर है और इस बात में कोई दो राय नहीं है मतलब हमें मानना ही पड़ेगा तो ये आंसर तो दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए क्योंकि इस पर सवाल आते हैं इसमें एरर कैसे आती है देखिए ऑफ दिया है तो ऑफ के इस तरह से मिस्टेक पूछते हैं एक ऑप्शन अगर ये दे देते तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा करें तो ये दो मेथड है इनको ब्रैकेट्स में किया है यूज़ चाहे ना करें थर्टी फोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुप्रिया टोल दीपिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग ये आप लोगों का गलत था कोई बात ही नई चीज आपने जानी हर्ष आयुषी ए पी एस सी सी आर गुड़िया साजिदा ए देखिए सुप्रिया एक्सक्लेम अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिर ऐसी ऐसा सवाल है कि आप जल्दबाजी में मिस कर सकते हैं वॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अब क्या यहाँ पे नहीं आएगा टोल्ड तो सीधे होगा नहीं हम टोल्ड कर करने है गलत है क्लेम का मतलब होता है दावा करना तो वो दावा नहीं कर रही वो तो हैरत से बोल रही है तो ये दो तो सीधे गलत हो गए फिर इसके बाद आप कहेंगे कितनी सुंदर ड्रेस है तो आपको ये बताया है कि अगर एक्सक्लेमेटरी में वर्ट या हाउ का यूज है हैरत करने के लिए कि कितना अच्छी है कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ऐसे कुछ कह रहे तो जो वर्ट है वो चेंज हो जाएगा हाउ चेंज हो जाता है फिर वेरी आना चाहिए वेरी वाला ऑप्शन देखिए किसमें ए है सुप्रिया एक्सक्लेम दैट दीपिका वॉज वेयरिंग पास टेंस हो गया और कितनी सुंदर को हम चेंज कर देंगे बहुत सुंदर में तो वेरी सही है हाँ ये देखिए इसीलिए दिया है कि आप एक्सक्लेम में अब क्लेम है तो जल्दबाजी में ऐसा होता है कि ध्यान नहीं दिया बस आपको जरा सा दिखाई दिया आपने मार्क कर दिया थर्टी फाइव वन क्या बोलेंगे एक वर्ड में <coughs> हमेशा जो शक करता रहे वो गार्गन है टूथसम है डीस्ट है या फिर स्केप्टिक है निधि रोहित शुभी साजिदा प्रशांत सबका सही स्केप्टिक होता है जो शक करे सब पे तो वो स्केप्टिक हो गया और ये बाकी क्या है इनके बताइएगा तीन ऊपर के जो है एस के आर सबका सही मनीषा डी आर डी ओ आयुषी टूथसम का मतलब होता है टेस्टी वो तो है वो स्वीट टूथ होता है कि आपको मीठी चीजें पसंद है तो उसको कहते हैं लेकिन टूथसम टेस्टी के लिए आ सकता है टेस्टी अब कैसा भी हो वो चटपटा किसी को पसंद है मीठा पसंद है उस दोनों सारी सेंस में होता है गार्गवेंचुअन का मतलब होता है बहुत ही बड़ा साइज में ह्यूज ह्यूज मैसिव इनॉर्मस हम लोग करते हैं जाइगेंटिक वो हुआ डिलिशियस हाँ इसका मतलब था डीस्ट क्या है एक डेटी अब वर्ड पढ़ते हैं डी ई आई टी वाई तो डीस्ट जो है ये गॉड से कुछ रिलेटेड है और डीस्ट ऐसा मतलब गॉड से रिलेटेड हो गया तो डीस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि गॉड में विश्वास तो रखता है जैसे एक आस्तिक है ये आस्तिक है लेकिन ये मानता है कि गॉड ने यूनिवर्स बना के छोड़ दी जैसे दुनिया बना के पूरी यूनिवर्स बना के छोड़ दी अब गॉड का कोई रिलेशन नहीं है इससे मतलब एक बार बना दी बना दी फिर अब इंसान उसी क्रम में आए जा रहे हैं उसी एक सिस्टम उन्होंने बना दिया अब चल रहा है थीस्ट कौन होता है जैसे वो मान रहा है कि गॉड से प्रे भी कर रहा है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है थीस्ट कौन हो गया ये आस्तिक हुआ तो गॉड में ये आस्था रखता है और ये मानता है कि भगवान है कि मतलब उनसे पूजा भी करता है या फिर मान रहा है कि हाँ अभी भी हम लोग जो जो भी हमारी जिंदगी चल रही है भगवान की वजह से डीस्ट मानता है कि गॉड ने एक बार बना के छोड़ दिया है अब कोई मतलब नहीं है गॉड को थर्टी सिक्स ये है अब इसमें एरर देखिए आई यूज टू बंक ऑफ क्लासेस टू स्निक इन द लाइब्रेरी एंड मोस्ट ऑफ माई नोटबुक्स वर फिल्ड विद एस एस अच्छा कली प्रशांत ऑल द बेस्ट आपका सबसे ही फैल है यूजा बाकी सब सही है चलिए सब लोग यूज टू बता रहे हैं बाकी कोई आपको एरर दिखाई दिया या हो सकता है मिसप्रिंट हो टाइपिंग करने में तो मिसप्रिंट हो ही जाता है आई यूज टू ये तो आपने सही बताया यूज कुछ नहीं होगा पास टेंस में करेंगे आई यूज टू मैं बंक किया करता था क्लासेस से बिना परमिशन के चला जाता था हाँ बंक ऑफ होता है ये जान के यहाँ पे ये सवाल इसीलिए दिया था स्पेशली क्योंकि बंक ऑफ फ्रेजल वर्ब के तरह यूज होता है जो हम लोग वैसे तो हिंदी में ही बात करने में बंक कहते हैं लेकिन करेक्ट उसके लिए बंक ऑफ है फ्रेजल वर्ब की तरह इसमें एक और मिस्टेक है देखिए एक और मिस्टेक ये इसी पार्ट में है वन ही में ये पार्ट में एक मिस्टेक है स्नीक इन, स्नीक का मतलब हो गया धीरे से चुपके से चुपके से कि मैं क्लासेस से भाग जाता था और चुपके से लाइब्रेरी में चला जाता था और वहां पर मेरी सारी जो नोटबुक्स थी क्लास वाली भी वो भी एस से एस से भरी हुई थी स्निक इन नहीं होगा स्निक इन टू होगा ये मिस्टेक है क्योंकि स्नीक यहाँ पे क्या क्या रहे हैं चुपके से लाइब्रेरी में चला जाता था तो बाहर से अंदर जाने के लिए प्रशन इंटू आता है ना मूवमेंट दिखाने के लिए तो इसीलिए यहाँ पे बंक ओवन स्नीक एक ही है नहीं बंक स्नीक इंटू का मतलब क्या हो गया चुपके से यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि मैं चुपके से लाइब्रेरी में चला जाता था क्लास में नहीं रहता था और लाइब्रेरी में जाता था तो जैसे आई वेंट इंटू द लाइब्रेरी ऐसे बोलते उसी तरह से आई स्नीक नेक्स्ट है थर्टी स्टिंजी का बताएं एंटोलिम स्मेलिंग माइजर वेस्टफुल या डर्टी हाँ बिल्कुल यजनेश्वर वो भी होता है स्नीह कराऊ वो भी सही है बी आंसर एक ही बार किया शुभी देखिए यहाँ पे स्टिंजी का मतलब स्टिंजी मिंजी के हैं या आप के हैं माइजरली निगार्डली पार्टसेमोनियस सबका सेम मीनिंग है सबका मतलब है कंजूस तो कंजूस इसका सिनोनिम माइजरली सिनोनिम होता माइजर सिनोनिम एग्जैक्ट क्यों नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है हमें क्या बताना था हमें एंटोनिम बताना है तो कंजूस का उल्टा क्या होगा जो खर्च करे तो वेस्टफुल हो गया वेस्टफुल एक्स्ट्रावेगेंट कहेंगे स्कॉन्ड्रिंग बोल सकते हैं इम्प्रोविडेंट इसके तो बहुत किए हैं स्पेंड थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट थर्टी एट इट इज द डिजायर ऑफ डैश टूरिस्ट टू विजिट द रेड फोर्ट पूछ रही चकोर प्रडिगल हाँ प्रोडिगल कहेंगे हर्ष वेस्टफुल सही था एवरी होगा एवरी या ईच आप कुछ कहेंगे तो उसके बाद सिंगुलर आता है तो टूरिस्ट है तो यही सही है अगर आप ऑल कहते हैं तो प्लूरल करना पड़ता फिर प्लूरल करते टूरिस्ट कहते हैं लगा देते सम के साथ भी वही होता नन यहां पे आ नहीं सकता कि अगर आपको या तो कहना है कि किसी को भी ऐसा मन नहीं करता कि वहां पे जाएं तो फिर नो no टूरिस्ट कहते हैं नन को आप एजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते नन बॉय नन गर्ल नहीं कह सकते थर्टी नाइन इसमें लास्ट वीक आई मेड अ लिस्ट ऑफ टेन बुक्स दोज वर माई सन फेवरेट टूरिस्ट एवरी टूरिस्ट सही विच होगा अच्छा शहानी इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो गई गलत होने की वजह से विच होना चाहिए देखिए हमें क्या कहना है मैं लिस्ट बनाता हूँ मैंने बनाई थी लिस्ट दस बुक्स की दस किताबों की लिस्ट बनाई थी अब उन बुक्स के लिए हम यहाँ पे कोई वर्ड लाना चाह रहे हैं तो रिलेशन दिखाने के लिए कौन से वर्ड्स होते हैं आप विच ला सकते हैं दैट का भी यूज़ कर सकते हैं फिर आप हु ला सकते हैं होम ये सारे वर्ड्स आप ला सकते हैं हु और हु यहाँ पे आएंगे नहीं क्योंकि हम निर्जीव की बात नहीं कर हम निर्जीव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विच या दैट में से कुछ भी लाइए विच ज्यादा कॉमन है विच थोड़ा सा बेटर यहाँ पे हो जाएगा तो विच वर जो कि मेरे सन की फेवरेट्स थी विच सही है नहीं तो दैट भी करेक्ट था कार्डिनल का बताएं अब मीनिंग uh, इसका बताना है सिनोनिम जल्दी में गलत हो जाता है इतनी सैड ना हो शाहिए अब यहाँ से यही सीखिए कि इतनी जल्दी में इतनी हड़बड़ी में भी मत करिए एग्जाम में आपको पूरे का बैलेंस बनाना है यही बैलेंस तो इम्पॉर्टेंट है एसेंशियल कार्डिनल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट का सिनोनिम एसेंशियल हो गया जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना काम ना चले अननेसेसरी तो इसका उल्टा हो जाएगा नेग्लिजिबल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर और ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब भी उसे कहते हैं सहायक क्रिया तो साथ में कोई चीज हो सहायता के लिए फोर्टी वन स्टैंड वंस ग्राउंड इडियम का मतलब हाँ चल आज लेट हो गए ठीक है गुड़िया निधि रोहित ए यजनेश्वर शुभी ए स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब है कि जो आप बात कह रहे थे उसी पे डटे हुए हैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर रहे या जिस पोजीशन पे खड़े हैं जैसे धरती पे खड़े हैं तो वहां से अपनी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसका हो गया मेंटेन वंस पोजीशन ये राय के लिए आता है कि अपनी राय पे आप अटल हैं बिल्कुल फोर्टी टू द ताजमहल इज वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इसको तो फॉरन ही बताने वाला सवाल है द होना चाहिए द क्यों होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होता है ग्रेटेस्ट वी थ्री वॉच वन स्टेप अगर कहीं पे वॉच योर स्टेप लिखा हुआ है तो आप उसका मतलब क्या समझेंगे कहीं पे हो सकता है वॉच योर स्टेप लिखा हो बी पनिश सिवियरली है वॉर्निंग टू समन टू वॉक और एक्ट केयरफुली रिविलिंग द सीक्रेट इंफॉर्मेशन युट ऑफ वर्क फॉर अनदर डे पुट ऑफ मतलब टाल देना होता है <laughs> अब ये ही सबसे बड़ा था वैसे भी आपको पता होगा देखा हो शायद तो इसका मतलब होता है कि ध्यान से चलो जैसे ध्यान से चलो मतलब स्टेप लो अगला कदम लो तो फिर ध्यान से लेना देख लेना पहले फोर्टी फोर यहां पे अब एरर देखिए ऑफ कोर्स सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉटर आर एट आर होम्स ए ऑप्शन लग रहा है ऑफकोर्स सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस अब कह रहे हैं कि यूजेस में से एक सम ऑफ मतलब कह रहे हैं तो एक यूज हो नहीं सकता सम ऑफ द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस कहेंगे तो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस पहले कहना चाहिए सिंगुलर का यूज नहीं सिंगुलर नहीं आएगा फिर यूजेस किसी चीज के का की के, के, के लिए क्या यूज होता है ऑफ आता है तो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर ये हो जाएगा ये ऑप्शन फोर्टी फाइव ईडियम है ये मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ ये क्या चीज है वेस्ट करना मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ़ का मतलब होता है किसी चीज को वेस्ट करना स्पेशली पैसे की सेंस में आता है जिसके लिए अभी हम लोगों ने एक वेस्टफुल वर्ड किया था एक्स्ट्रा है तो ये वही चीज है बर्बाद करना फोर्टी सिक्स एक्ट पैसे <स्याँगा> बहुत अच्छा बड़ा बड़ा दिख रहा है अच्छा कुछ ज्यादा ही फॉन्ट बड़ा हो गया आज हु कैन क्वेश्चन साहिब इंटेग्रिटी हु कैन क्वेश्चन कह रहे हैं तो कौन ये काम कर सकता है और फिर हु का क्या हो जाएगा हु में चेंज होगा जब आप ये कहें कि किसके द्वारा ये काम हो सकता है किसके द्वारा के लिए हम क्या लाते हैं बाय होम लाएंगे बाय होम स्टार्टिंग में लाइए फिर कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा कैन प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा बाय होम कैन साइव इंटेग्रिटी बी क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे इंटेग्रिटी हमारा सब्जेक्ट था सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सवाल किया जा रहा है इंट्रोगेटिव है फोर्टी सेवन इफ श्रुति हैड वर्क हार्ड शी डैश गॉट द जॉब ये सबसे इंपॉर्टेंट पांच रूल्स में है ये वाला रूल तो 144 पे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हाँ इफ श्रुती हड वर्क हार्ट शी वुड हैव गॉड द जॉब अगर उसने मेहनत की होती तो उसे जॉब मिल गई होती मतलब उसने मेहनत नहीं की तो जॉब नहीं मिली तो इफ के बाद लाते हैं पास्ट परफेक्ट लाइए हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ है वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म अगर आप ये कह रहे हो कि ये अगर ये हुआ होता तो ये हो जाता ये हुआ होता तो ये हो जाता अगर ये कहें फोर्टी एट एक्टिव पैसिव लेट हर डू दिस का क्या होगा उसको ये करने दो लेट हर डू दिस अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो लेट से स्टार्ट होते हैं सी ऑप्शन तो लेट हर डू दिस कह रहे हैं उसको ये काम करने दो तो, ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट वन और ये हो गया ऑब्जेक्ट टू यू यहां पर सब्जेक्ट है जो कि छिपा हुआ है तो इसका पैसिव कैसे बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट वन ये होता है इसका तो इसका हो जाएगा लेट दिस बी डन ये थर्ड फॉर्म हो गई हर उसके द्वारा किए जाने दो फोर्टी नाइन जेंटिल का बताइए का जेंटील काटियस कैलस इम्पोलाइट या डिफिडेंट जेंटील एक है एक होता है जेंटल यहां स्पेलिंग कुछ गलत नहीं है यहां जेंटील है तो जेंटील का वैसे एग्जैक्ट मतलब तमीज का होता है कर्टियस है लेकिन जो थोड़ा सा बनावटी लगे ये भी है क्योंकि वन वर्ड सब्सिट्यूशन में भी पूछा गया है तो ऐसे ही कुछ आया था कि अ पर्सन हु इज वेरी पोलाइट बट लुक्स अ बिट आर्टिफिशियल जो बनावटी लगे कि असलियत में इतने हैं नहीं इतने तमीज के ज्यादा ही दिखा रहे हैं वो एग्जैक्ट है लेकिन इसका सिनोनिम तो कर्टियस से हो ही सकता है मतलब पोलाइट पोलाइट या रिस्पेक्टफुल ये इसका एंटोनिम हो जाएगा इम डिफिडेंट और कैलस का बताइएगा जरा हाँ शाह करेक्ट है डिफिडेंट और कैलस का मतलब क्या है अभी आया था इसी बार सीजीएल में कैलस शाय, हां डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मीला, शाय कैलस का मतलब है क्रूर इनसेंसिटिव क्रूर इसका मतलब है नेक्स्ट फोर्टी नाइन फिफ्टी रमेश सेट टू में वेयर हैव यू बीन सिंस लास्ट सिंस लास्ट नाइट आप हैं चकोर, कौन सी वाली कैलस वाली तो नहीं कह रही आप अपने को डी ऑप्शन लग रहा तो रमेश सेट टू मी वेयर हैव यू बीन अब उसने सवाल किया था तो रमेश आजमी और टेंस चेंज हो जाएगा पास टेंस में चला जाएगा वेयर आई हैड बीन हैड आई क्यों नहीं होगा जब सवाल करेंगे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब जब सवाल करते हैं इंट्रोगेटिव होता है तब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा अब हमें इसको इंट्रोगेटिव नहीं रखना नॉर्मल एसर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आया और ये लास्ट वीक का लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट डी आंसर सही है नेक्स्ट <coughs> है 51, अब इसको सही क्रम में लगाइए यहां से स्टार्ट हुआ है ए से यहां से स्टार्ट हुआ ये फर्स्ट है इट इज इंपॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इसके बाद क्या करें अच्छा आप सुपर शाय <laughs> रक्षाबंधन के लिए ऑफर दिया अच्छा डी आर तो आप लोग ये मोदी जी ने तो ऑफर दिया ही एमडी का भी ऑफर याद रखिए आज ही के लिए आज लास्ट डे उसका है सारे कोर्सेज पे ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट है चलिए अब देखें इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा के सारे रूल्स जानना असंभव है फिर उसके बाद क्या होगा इट टेक्स बोट टाइम एंड पेशेंस या एडवर्टीजमेंट दैट क्लेम टू टीच अ लैंग्वेज इन थर्टी डेज आर ऑल लाइज लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ टाइम टेकिंग जॉब अब आप लोग कौन सा डी ए बी सी डी ए सारी ही चीजें बता रहे ए डी सी बी देखिए अब इसके बाद कहेंगे कि ये असंभव है कि सारे रूल्स आपको पता चल जाए फिर उसके बाद कहेंगे इट इज़ अ टाइम टेकिंग जॉब टाइम टेकिंग जॉब इसके बाद कहा फिर उसके बाद देखिए अब इससे कनेक्टेड क्या चीज है कि असंभव है ये समय लगने वाला जो, आ, एक फिर उसके बाद होना चाहिए एक ए के बाद टाइम टेकिंग जॉब है हम बोल सकते हैं ए के बाद डी आए फिर उससे रिलेटेड यह है कि टाइम और पेशेंस दोनों चीजें लगती हैं देखिए सबसे पहले तो ये हुआ कि सारे रूल्स जानना असंभव है फिर उसके बाद ये होगा एडवर्टीजमेंट जो ये दावा करती हैं कि हम थर्टी डेज में सिखा देंगे वो पूरा झूठ है उससे रिलेटेड ये चीज है कि थर्टी डेज में आप नहीं सीख सकते लर्निंग जो है वो टाइम टेकिंग है मतलब सी से डी रिलेटेड है ये हमें पता चला कि सी और डी आपस में रिलेटेड है सी और डी साथ में आना चाहिए इतनी चीज पता चली तो अब इसके ये तो बिल्कुल कन्फर्म्ड है क्योंकि पहले बोला कि थर्टी डेज वाले जो दावे हैं वो सब झूठ हैं फिर कहा कि इतने कम में नहीं हो सकता टाइम लगता है इसमें सी और डी का कॉम्बिनेशन बस एक ही में आ रहा है तो कंफ्यूजिंग लग रहा था लेकिन एक चीज से हमें पूरा पता चल गया तो इसमें टाइम थर्टी डेज वाले दावे गलत हैं और टाइम लगता है तो इसके बाद होगा सारे रूल्स जानना असंभव है इसमें समय भी लगता है और पेशेंस भी लगता है ये बोला फिर उसके बाद होना चाहिए सी और डी थर्ड ये हो गया और उसके बाद लास्ट ये हुआ तो आंसर हम लोगों का हो गया इसके ए बी सी डी बी आंसर हुआ इसका ठीक है ए बी सी डी ये करेक्ट है तो ये कुछ लोगों का सही भी था तो एक चीज़ से हम लोगों को बस हिंट मिला ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था लेकिन जब दावे को कहा है कि वो गलत है तो फिर दावे का फिर वो असलियत बताएंगे कि दावा झूठ है लेकिन असली चीज़ क्या है वो बताया तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे आठ बजे और आप ऑफर देख लीजिए ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है सारे ही कोर्सेज़ पे आज बारह बजे ख़त्म हो जाएगा और इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो एम डी क्लासेज ऑफिशियल ऐप पे आप ले सकते हैं और ये नंबर भी दिया हुआ है अगर कोई प्रॉब्लम हो इस पर आप बात कर सकते हैं एम डी ट्वेंटी फ़ाइव ये कोड है ये याद रखिएगा एम डी ट्वेंटी फ़ाइव इस कोड को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा तभी आपको डिस्काउंट इसमें मिलेगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू सेशन को लाइक like और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर और ये आप ऑफ़र के लिए देख लीजिए गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच मालती शाहनी आर निधि पी थैंक यू अब हम लोग आठ बजे रात में कल मिलते हैं थैंक यू बाय बाय गुड नाइट